Hey, this is Om Prakash. You are watching my YouTube channel, Let's Love Physics. Here, I am giving my best effort to let you learn physics more easily. Every topic will be discussed in detail in the videos format. All the PDF material will be shared in the descriptions of the video so that you can download it and use it for your references. Now, if you have any query related to any videos, please write it in the comment box. And if you like the videos, please press the like button, please subscribe to the channel, and please press the bell icon so that you will be notified the very first time when new videos related to any physics topics will be uploaded on this channel. Thank you very much. Now the lecture will follow on. A very good morning to you all, my friends. Today we are going to discuss the third cases of vector algebra, and that is the multiplications of vector. अभी तक जो हम लोगों ने वेक्टर एलजेब्रा में देखा वो हम लोग क्या देखे हैं अभी तक? हमने वेक्टर एलजेब्रा के लिए सबसे पहला केस पढ़ा है एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर दूसरा हमने अभी तक पढ़ लिया सबस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर, सबस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर। तीसरा केस आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर में क्या क्या कौन कौन तरह के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, क्या रिजल्टेंट होते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये अब है कि देर आर थ्री वेज इन विच द वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। किसी भी वेक्टर को हम तीन तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तीन तरह से होता है। मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय अ स्केलर, जब आप उस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो केस होता है वो अलग होता है। और जब आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक यहाँ जैसे मान लीजिए कि m जो है, यदि कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, तो अब वेक्टर जो a है इसको यदि आप m से डिवाइड करेंगे तो क्या केसेस आएंगे। और यहाँ है कि दो वेक्टर, सपोज करिए एक वेक्टर है हमारा a और एक वेक्टर है हमारा b, तो इसके इसमें दो वेक्टर के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उनके बीच जो घटना होगी मल्टीप्लिकेशंस की, ये मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, मल्टीप्लिकेशन ये दो तरह का होता है। जो एक बता रहा है इसने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, और जो दूसरा इसने बता रहा है ये वेक्टर प्रोडक्ट। देखते हैं इनको अच्छे से डिटेल में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इससे पहले हम एक जो आपको लाइन है इसके बारे में हम ये बता देते हैं कि सबसे पहले ये मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय ए स्केलर, कोई वेक्टर है, सपोज करिए कि यहाँ जैसे मैंने कहा कि ए एक वेक्टर है और उसको हमने डिवाइड किया है एम, गुना किया है स्केलर एम से। तो एक्चुअली ये क्या करता है कि जैसे ए एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, मैंने कहा कि मेरा वेक्टर ए है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो मॉड ऑफ ए है। और ये जो किसी एक्सिस के साथ बना रहा होगा एंगल, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से तो केवल इसका मैग्नीट्यूड बदलता है, मतलब अब जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू मॉड ऑफ a। सो इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज्ड m टाइम्स व्हेन यू मल्टीप्लाइडेड विद अ स्केलर क्वांटिटी m। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड किए रहते तो ये क्या हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 बाई m टाइम रिड्यूस हो जाता। लेकिन ये वैक्टर जो है, अगर ये a ऐसा चल रहा है, ये यदि वैक्टर a है तो m टाइम्स ऑफ a या तो इससे लेंथ में छोटा हो जाएगा। ये मान लीजिए अगर आपका जो m का वैल्यू है, यदि m इज ग्रेटर देन 1 है, यदि इसने कहा कि m अभी लेस देन 1 का केस लेते हैं, तो आप जान ही रहे हैं कि जब ये जो मैग्नीट्यूड को यदि एक से छोटा सा डिवाइड कीजिएगा तो वो घट जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। और यदि m बड़ा होगा
तो इसका लेंथ बड़ा हो जाएगा, बड़ा फैक्टर हो जाएगा, एम शुड बी ग्रेटर देन वन का केस होगा। तो इस केसेस में जो है सो ये आपका एम वेक्टर ए ऐसा हो जाएगा, इस केसेस में आपका एम वेक्टर ए जो है सूत्रा लेंथ में छोटा हो जाएगा। ये तो था कि जब आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब वो जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, और सॉरी हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे लिखेगा वेक्टर ए और ये डॉट यहाँ पे वेक्टर बी एंड रेड एज ए डॉट ऑफ यहाँ पे वेक्टर बी ऐसे पढ़ा जाएगा। और जब हम इसको लिखते हैं तो ये बेसिकली जो ए डॉट बी हो जाता है यहाँ से वेक्टर ए और ये डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ए बी कॉस थीटा आया ये क्या होता है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। सबसे पहली बात जो निकल के सामने आई कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है ये क्या हो जाता है, ये आपका स्केलर होता है, आउटपुट जो होता है स्केलर क्वांटिटी आता है, ठीक है। ये वेक्टर नहीं होता है, जब आप उसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो इट इज नेवर अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा चीज आप ये भी एक नोटिस करते हैं, ये थीटा एक्चुअली में है क्या, यदि वेक्टर ए है ठीक है वेक्टर बी है और द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, यहाँ पहले मैं मेंशन कर देता हूँ एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ठीक है। अगर इनके बीच के एंगल ए और बी के बीच के एंगल थीटा, मतलब सपोज करिए कि ये मेरा वेक्टर हो गया ए और ये मेरा वेक्टर हो गया बी और इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा है, तब इनका स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसको तो ऐसे हम ए डॉट बी से लिखते हैं, रीड ए डॉट बी से करते हैं और ये भी कॉस थीटा हो जाता है। मतलब क्या एक्चुअली में अगर आप देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए और इसको यहाँ से ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं ए बी कॉस थीटा इट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या मोड ऑफ है, मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इक्वल टू एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अब देखिए एक चीज कि आप इसको लिख सकते हैं कि मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी यहाँ पे कॉस थीटा, तो कहीं ना कहीं बी कॉस थीटा इज क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along a, PRO projection of vector b along vector a in है, ये projection है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि vector magnitude of a divide into projection of vector b along a, आप इसको ऐसे define कर सकते हैं। अब ऐसे यहाँ हम कर देते हैं कि magnitude of a vector a डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, मतलब बी का प्रोजेक्शन जब आप ए पे करेंगे तो अब क्या करना होता है, प्रोजेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए बी का प्रोजेक्शन करना है, हमने ऐसा किया कि ये हो गया ये, यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, तो ये जो हो गया प्रोजेक्शन बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग ये क्या हो गया बी कॉस थीटा। सिमिलरली आप ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यहाँ पे देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सबसे पहले तो देखो ए में है, अब है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। यही चीज जो हम अभी बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब आप लिखते हैं यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं वेक्टर ए और डॉट ऑफ वेक्टर बी जब करते हैं, ये हो जाता है ए बी मोड ऑफ ए वेक्टर ए इनटू मोड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पे ये हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या करते हैं तो मोड ऑफ वेक्टर ए और पोस्ट में करके मोड ऑफ वेक्टर बी cos theta करते हैं, तो ये क्या हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए हो गया। इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए और इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ये क्या है, यहां से देखिए बी का प्रोजेक्शन जो है सो ए पर डालना है, कुछ नहीं करना है हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये है बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए जो है, इसने क्या किया बी के हेड से जो है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर है। तो अब ये क्या हो गया बी कोस फाई हो गया, यही ना बी कोस फाई जो है सो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए है। अब आप इसी इक्वेशंस को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि इस हम वेक्टर वेक्टर बी को यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर ए और यहाँ कॉस फाई इकट्ठे ले लेते हैं, ये क्या हो गया वेक्टर बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी हो गया, पी आर ओ जे ई सी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग यहाँ पे तो बी हो गया। तो अब जो है तो हम इसमें क्या करेंगे कि पोजीशन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो मेरा वेक्टर ए इस केस में जो है बड़ा है, तो हमने बस इसके हेड से जो है सो क्या करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे वेक्टर बी पे, और ये जो हो गया पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए कॉस फाई देख रहे हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो यही है मेरा डॉट प्रोडक्ट की मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कॉस फाई। अब आप इसी में डिफरेंट सारा स्पेशल केसेस इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि अगर इसी में देख लीजिए यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, अभी तो कंक्लूड है, अगर इनके बीच का जो एंगल ये आप देख रहे हैं फाई या फिर या इसको थीटा मानिए, अगर ये 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर होगा तो क्या होगा कॉस थीटा क्या हो जाएगा cos theta is equal to zero, और इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो हम लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब या ऑर्थोगोनल इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर इज गोनल वेक्टर जीरो। इसी को आपको रिवर्स में सवाल पूछ देगा, आपको वेक्टर ए दे देगा वेक्टर बी दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा वेक्टर ऑर्थोगोनल है, ठीक है, विच सेट ऑफ द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, तो सिंपली क्या करना है उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है, अगर वो जीरो आता है तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, या फिर यही सब क्वेश्चन और भी बदल बदल के देगा, नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करते हैं बेटर वे में। तो सबसे पहला देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्केलर प्रोडक्ट्स, स्केलर प्रोडक्ट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ बता रहा है कि जैसे ये बताता है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर कम्यूटेटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के, इसके कहने का ये मतलब है अगर आप लिखते हो कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, ये क्या हो जाता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब आप इसको ये भी लिख सकते हो कि मोड ऑफ बी
इस पे इधर ले आओ, और मोड ऑफ ए कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो ये कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, फिर ये है कि भैया एसोसिएटिव लॉ है, इसको इसके साथ डॉट करना है, इसको इसके साथ डॉट करना है, तो ये भी एसोसिएटिव है। हाँ, अगर दो वेक्टर को आपस में हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो वो क्या है? सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर है। दो वेक्टर को जब हम आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, क्यू आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बीच जो एंगल है तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा क्या, जीरो हो जाएगा। अब अगर हम करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये क्या निकलेगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, यहाँ पे कॉस ऑफ जीरो डिग्री, तो मॉड ऑफ ए मतलब मान लिया कि हमने ए माना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा जो है जीरो डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जो ये कर रहे हैं ये क्या है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, ये क्या है एक्चुअली, ये जो आई डॉट आई आप देख रहे हैं ये यूनिट वेक्टर है, ये जो है यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर जब है, ये क्या यूनिट वेक्टर है, हमारा जो तीन एक्सिस होता है, ये एक्सिस हो जाता है एक्स, ये एक्सिस हो जाता है वाई, ये एक्सिस हो जाता है जे। ठीक है, तो हमने यही कन्वेंशन लिया है कि एक्स डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर है वो आई कहलाता है, यूनिट वेक्टर है, और जे वाई डायरेक्शन में जो है, सॉरी सॉरी, ये वाई डायरेक्शन हम लोग वाई कन्वेंशन लेते हैं, एक्स लेते हैं, आप ले सकते हैं आपका, लेकिन अभी हम जो ले रहे हैं वो हम बता रहे हैं, ये आई होगी, ये जे हो गया, ये वेक्टर आई होगी। ठीक है, तो ये जो है, ये जो रेक्टेंगुलर है एक्स वाई जेड एक्सिस जो है, इनके बीच का जो यूनिट वेक्टर है वो आई जे और के है, वेक्टर आई जे और के है, तो इसका बीच जो एंगल होता है, इन वेक्टर के बीच जो एंगल मतलब पाया जाता है, एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर आई जे के इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर वेक्टर आई जे ये क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो जब आप एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, और इनका सेम के बीच करना है, तो वही सही आई डॉट आई, क्योंकि आई डॉट आई जब आप करते हैं, यहाँ देखिए जब आपने लिखा आई वेक्टर आई, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई और इंटू मॉड ऑफ आई, यहाँ पे कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि आई और आई के बीच के एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो मॉड ऑफ आई क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, फिर ये यूनिट वेक्टर जो 1 होगा, कॉस थीटा के लिए भी आ जाएगा 1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई टू जे डॉट जे के डॉट के, लेकिन ये जो इक्वेशन कह रहा है आपको ये अलग है, ये कह रहा है कि अब आई डॉट आई, आई और जे के बीच जो एंगल थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री है, और जब परपेंडिकुलर होगा या ऑर्थोगोनल वेक्टर है तो कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इनके बीच का जो हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई, ये क्या निकलता है, 0 निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि ये आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर है, इसलिए निकलता है। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देखिए ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाला है, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कभी होंगे जब इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो अब बोल देगा आपसे सवाल में क्या पूछ सकता है, आपसे सवाल में वेक्टर 4 ऑप्शन देगा, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर भी, जैसे मान लो यहाँ पे दिया ए कॉमा बी, ठीक है, यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया सी कॉमा डी, ठीक है, सी कॉमा डी है, कॉमा डी है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया आपको ई कॉमा एफ, ठीक है, और चौथा दिया जी, ये 4 वेक्टर आपको दे दिए, और इसमें पूछेगा कि आपस में इन चारों वेक्टर में से किसके बीच परपेंडिकुलर, कौन दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, बस हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जो आएगा 0 वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये स्केलर प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक बार अपना रिव्यू करना चाहेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, अगर नया प्रोडक्ट जानना चाह रहे हैं हम लोग, जो है वेक्टर प्रोडक्ट।